दोस्तों, उत्तराखंड से जुड़ी किंवदंतियों, मान्यताओं और रहस्यों के बारे में जानने समझने की यात्रा में आज हम जानेंगे आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी के बारे में, जो कि सदियों से उत्तराखंड हिमालय के एक कस्बे में स्थापित है, जिसकी आज भी पूजा होती है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ सर्दियों में जगतगुरु शंकराचार्य की गद्दी को बद्रीनाथ से लाकर रखा और पूजा जाता है। ये भी जानेंगे कि आखिर शंकराचार्य की गद्दी को हर साल बद्रीनाथ से दूसरी जगह शिफ्ट क्यों करना पड़ता है। आदिगुरु शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी के बारे में जानने के लिए हम पहुंचे उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ, जो कि बद्रीनाथ से करीब 40-42 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ इसलिए आए क्योंकि यही वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे किसी जमाने में आदिगुरु शंकराचार्य ने अपना ठिकाना बनाया। इसीलिए सर्दियों में 6 महीने आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी को यहीं रखा जाता है। ये जगह है जोशी मठ का मशहूर नृसिंह मंदिर परिसर। हालांकि इस जगह को देखकर किसी मंदिर जैसा आभास तो नहीं होता है, ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ी शैली का कोई निजी भवन हो। ये शंकराचार्य की गद्दी स्थल जो पूजा जाता है सर्दियों में, नहीं यहाँ नहीं है, अंदर नहीं गए। ये ऊपर हम शंकराचार्य जी की गद्दी की पूजा होती है सर्दियों में 6 महीने यहाँ पे। वहाँ इसी खूबसूरत भवन के पहले माले पर चढ़कर हम पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ सर्दियों में रखी जाती है आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी। तो ये शंकराचार्य जी के गद्दी स्थल है जिसकी सर्दियों में 6 महीने यहाँ पे पूजा की जाती है शंकराचार्य की। ये उसका अंदरूनी तो ये है शंकराचार्य जी का गद्दी स्थल, जो कि सर्दियों में 6 महीने जोशीमठ के इस मंदिर में, नरसिंह मंदिर परिसर है, उसमें शंकराचार्य की गद्दी, आदि शंकराचार्य की गद्दी 6 महीने यहाँ पे पूजी जाती है और 6 महीने बाद बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ में। तो ये वो गद्दी स्थल है जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ शंकराचार्य रहा करते थे जब उन्होंने बद्रिकाश्रम को अपना वहां पे स्थापना की थी मंदिर की। इस गद्दी स्थल के अंदर हॉल की दीवारों पर आम लोगों के लिए जानकारी दी गई है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने देश में किन किन मठों की स्थापना की और कैसे उन्होंने बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना की। जिस पहाड़ी शैली के भवन के अंदर शंकराचार्य का ये गद्दी स्थल है, उस भवन की बनावट इतनी खूबसूरत है कि देखते ही रह जाएं। इसमें लकड़ी और पत्थरों को तराश कर जो कारीगरी की गई है, इसमें जितने चटक रंग भरे गए हैं वो बेहद दिलकश हैं।
जीव चौक, आदि शंकराचार्य की गद्दी जो है यहाँ, ये इसके ऊपर यहाँ पे 6 महीने ये इसका रास्ता है। और ये शंकराचार्य की इस गद्दी स्थल से जुड़े किस्सों के बारे में उत्कंठा हमें ले गई जोशी मठ में, शंकराचार्य द्वारा सदियों पहले स्थापित ज्योतिर्मठ में। यहाँ के प्रभारी एक संत से बातचीत में पता चला कि 18वीं सदी में हिमालय में आए भूकंप में तब जोशी मठ में बस दो ही चीजें तबाह होने से बच पाई थीं। उनमें एक शंकराचार्य का गद्दी स्थल भी था। मात्र एक कल्प वृक्ष और एक नरसिंह मंदिर की गद्दी, ये दो ही बचे थे। 165 साल वैसे ही निकल गया। हमारे पूर्वज लोग पैदल आते थे। 1940 में ब्रह्मानंद जी महाराज जी कुर्सी में बैठे हैं, ऊपर फूल माला पहन के बैठे हैं। इनके द्वारा जीर्णोद्धार हुआ। उस टाइम में भी श्रीनगर से बद्रीनारायण 180 किलोमीटर पद यात्रा था, मोटर गाड़ी नहीं थी। 62 में चीन की लड़ाई हुई, मलेट्टी आए, उनके द्वारा रोड आया, ये पुनः शहर के रूप में परिणत हुआ। आदि शंकराचार्य के समय से ही बद्रीनाथ में दक्षिण भारत के नंबूदरी पुजारियों को बिठाने की परंपरा रही है। क्योंकि सर्दियों में बद्रीनाथ बर्फ से ढका रहता है, इसलिए जाड़े के 6 महीनों के दौरान भगवान विष्णु की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही होती है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी को भी अपने मूल स्थान यानी जोशीमठ में शिफ्ट किया जाता है। पहले तो ऐसा भी होता था कि बद्रीनाथ के रावल यानी मुख्य पुजारी मंदिर के कर्मचारियों के साथ जाड़े में जोशीमठ में ही तब तक रहा करते थे जब तक कि गर्मियों में बद्रीनाथ के कपाट खुल नहीं जाते। तो दोस्तों, ये है आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी की कहानी। इस वीडियो को लेकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें।